फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल शर्मा। आप लोग जानते होंगे मैं धर्म कांटे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी देता रहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि धर्म कांटे पर चोरी कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, आप लोगों को दिख रहा होगा मैं एक बहुत ही बड़े विशाल धर्म कांटे की प्लेट पर खड़ा हूँ, जो बहुत ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कांटा है। हमें तो यहाँ तक जो सूचना मिली है, यहाँ तक इंडिया में भी इतना बड़ा कोई धर्म कांटा नहीं है। दोस्तों, ये धर्म कांटे की जो डिस्प्ले है बहुत ही लंबी, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी मोबाइल की स्क्रीन पर, और वो कुर्सियाँ पड़ी हैं चेयर, वहाँ तक ही इसकी प्लेट है। ये धर्म कांटा भी दोस्तों बहुत ही बड़ा है, इसकी क्षमता बहुत है, मेन हाईवे पे है और इसलिए ये धर्म कांटा बहुत चलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, धर्म कांटे पर लाइव दिखाएंगे कि धर्म कांटे पर लोग चोरी कैसे करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि धर्म कांटे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी हम देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों मैं धर्म कांटे की प्लेट पे खड़ा हूँ, इस वीडियो में आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि धर्म कांटे पर लोग चोरी कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि धर्म कांटे के रूल क्या होते हैं, धर्म कांटे पर गाड़ी का वजन करने का नियम क्या होता है। तो दोस्तों, हर धर्म कांटे पर अलग अलग रूल होता है गाड़ी का वजन करने का। तो दोस्तों, अगर आप धर्म कांटे पर आप कभी भी वेट कराने जाते हैं तो आपको ये बातें नहीं पता होंगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और लोग कैसे चोरी करते हैं वो भी लाइव में आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, हर धर्म कांटे पर आपको ये नंबर दिखाई दे रहे होंगे, हमारे धर्म कांटे के डिस्प्ले ये दिख रही है, इसके साइड में यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 10, 12, 14, इस तरीके के जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस नंबरों का बहुत ही महत्व होता है। तो दोस्तों, अगर आप धर्म कांटे पर नए होते हैं, गाड़ी का कांटा कराने जाते हैं और आपको गाड़ी का वजन कराने का सही नियम नहीं पता है, तो आपका जो है वेट कम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये नंबर पड़े होते हैं प्लेट में, प्लेट की साइड में, और इन्हीं नंबर के हिसाब से गाड़ी का वजन होता है और गाड़ी को खड़ा किया जाता है कि इस नंबर के हिसाब से गाड़ी के टायर कहाँ पर रहेंगे। तो दोस्तों, आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने धर्म कांटे के पास, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे लाइव कैसे लोग चोरी करते हैं, लाइव में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं धर्म कांटे के रूम में जा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे ये ऑफिस बना है, और ये ऑफिस यहाँ पर बना है दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा, और यहाँ पर जो गाड़ी को तुलने का सिस्टम है वो इस वाले रूम में रखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं, अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर लोग चोरी कैसे करते हैं। तो दोस्तों, धर्म कांटे पर लोग कई तरीके से चोरी करते हैं। आपकी जो डिस्प्ले होती है, जो मैंने अभी प्लेट दिखाई थी दोस्तों, इस टाइप की, उस प्लेट पर लोग क्या करते हैं, पहले से ही वजन रख देते हैं और अपनी डिस्प्ले में माइनस का बटन दबाकर उतना वेट माइनस कर देते हैं जो किसी को नहीं दिखाई देता है, सभी को जीरो दिखाई देता है। जब हम गाड़ी को चढ़ाते हैं तो हमारा वेट उतना कम हो जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग कंप्यूटर सिस्टम में जाकर जो है वेट कम ज़्यादा कर देते हैं और किसी ना किसी गड़बड़ी से वेट बढ़ा देते हैं। और दोस्तों, बहुत से ड्राइवर ऐसे होते हैं जो चापलूस ड्राइवर होते हैं, या बहुत सी पार्टी ऐसी होती है, बहुत से धर्म कांटे के ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो डिस्प्ले होती है यहाँ पे, सॉरी, जो प्लेट होती है जिसपे गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पे लोहे की राड वगैरह लगा के वेट कम ज़्यादा कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है, जो भी आपके साथ गड़बड़ी करता है किसी भी प्रकार की, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि दोस्तों, आप कोई भी माल का वजन धर्म कांटे पर कराना चाहते हैं तो आपको कोई भी समस्या ना हो, जिससे आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपको दोस्तों कोई अंदर की बात यानी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी पूछनी है तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, हमारा नंबर भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों सभी बातें वीडियो पर नहीं बताई जा सकती। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।